इस संसार के अंदर सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज्ञान इकट्ठा कर लिया है जो किसी काम का नहीं, चाहे वो पुस्तकों से इकट्ठा किया गया हो, चाहे वो मात्र सुना सुनाया हो, चाहे कुछ दे करके इकट्ठा किया हो, वो आपके काम तो नहीं आने वाला, क्योंकि वहां जाने के बाद मात्र अनुभव, चढ़ाई, प्राप्ति, स्थिति जो आपने संचय किया है वो जो आपने पाया है वो वही आपके काम आएगा। हर किसी के पास अनेकों सवाल हैं, दूसरे उसके चारों तरफ बैठे हुए लोग सबके पास उनके जवाब हैं। कोई भी सवाल हो अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरा उसका उत्तर लिख देता है, अगर उत्तर उसके मन के अनुसार हुआ तो वो मान लेता है, अगर उसके मन के अनुसार नहीं हुआ तो वो नहीं मानता। न संतों की पहचान रही, न संत इस धरा के ऊपर, ये तो नहीं कहूंगा नहीं रहे, लेकिन बहुत कम मात्रा में रह गए, और जो रह गए हैं वो बैठ गए, देख रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर क्या चल रहा है, प्रभाव कर रहे हैं, लेकिन जो चला हुआ है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख, जादूगरी सी चली हुई है संसार में कि कोई भागवत कर रहा है भाग रहे हैं, कोई कथा कर रहा है भाग रहे हैं, कोई मायरा कर रहा है भाग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, उनको ये पूछो जाकर के परमात्मा का रास्ता क्या है, जो उन्होंने पढ़ा है बोल देंगे, उसे आगे सवाल करो जाकर के अध्यात्म के विषय में, अपने मन के अनुसार बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, कोई राधा को बड़ा बता रहा है, कोई कृष्ण को बड़ा बता रहा है, कोई राम को बड़ा बता रहा है, कोई विष्णु जी को बड़ा बता रहा है, कोई शिव को बड़ा बता रहा है, कोई कबीर को बड़ा बता रहा है, कोई आदि शक्ति को बड़ा बता रहा है, कोई संतों को बड़ा बता रहा है, और इस बड़े और छोटे की लड़ाई में सारा का सारा समय निकल गया जीवन, और जीवन हाथ से ऐसे निकल गया जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाता है, गायब खाली रह गया, न कुछ प्राप्त हुआ, न हासिल हुआ, न कुछ मिला, बस समाप्त हो। ऊपर जा करके क्या बोलोगे, मैंने बहुत भागवते सुने, ऊपर जा करके क्या कहोगे, मैंने बहुत सवाल और जवाब दिए, इस सवाल जवाब बोलना सुनना पढ़ना लिखना जीवा से काम करना, ये सब का सब बुद्धि के अनुसार हो, और परमात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार इनसे परे है। सबसे बड़ी बात, जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी, बस फिर आ गई समझ, फिर ना कुछ करना, ना सोचना, ना भटकना, आप अपने काम में लग जाओ। अब क्या है, जादूगरी चल रही, कोई इस तरह से उठा करके
माला बना देता है, कोई इस तरह से उठा करके अंगूठियां निकाल करके दे देता है, कोई दो नाम लिख देता है, कोई चार लिख देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई दो सिद्धियां प्राप्त करके दो काम लिख देता है, ये काम आए हो ये, क्या ये अध्यात्म है? आप इसी को अध्यात्म मानते हो कि अरे बड़ा सिद्ध हो गया, ये तो बड़ा आध्यात्मिक आदमी है, इससे बड़ा इस धरती के ऊपर कोई नहीं हो सकता, यही हिंदू धर्म को समझ। अरे इसको तो हिंदू का है भी नहीं पता, ये ध्वज लेकर के चले गए हिंदू धर्म का, उसे तो वेदों की पहचान है, उन्होंने वेदों को देखा ही नहीं, उन्होंने वेदों को पढ़ा ही नहीं, उन्होंने वेदों को जाना ही नहीं, उन्होंने कुछ अनुभव ही नहीं किया, तो कैसे प्राप्ति होगी? आप उनकी खोज कीजिए जिन्होंने स्वयं की खोज की है, अगर वो भी ना कर सकते आप तो आप सुमरण कीजिए, व्यर्थ के वाद विवाद में मत उलझिए, जो भी श्रेष्ठ हो ना हो, पुस्तकों में कुछ लिखा हो ना हो, आपके काम नहीं है, गाते रहो पूरे दिन राधे राधे, राधे नहीं मिलेगी, राधे वो कुंडलिनी शक्ति है जो जाप के द्वारा मिलती है, जो आपके द्वारा मिलती है, जो सुमरण के द्वारा मिलती है, वो सुमरण से ही मिलेगी। तो आप इन बाहरी चीजों में, बाहरी लोगों में, इस वाद विवाद में, इन प्रश्न उत्तर में अपना समय बर्बाद न करके अपने ध्यान को केंद्रित करके और आप समय की ओर और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करें।